हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, मॉर्निंग न्यूज के साथ आज मैं आपके लिए तीन बड़ी खबर लेके आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले साथियों, हरियाणा कोर्ट में जो चंडीगढ़ कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा का मिक्स कोर्ट है, वो उसमें जॉब निकली है क्लर्क की और क्या क्या डिटेल है पूरी वो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद एचटेट के बारे में कुछ न्यूज़ है वो आपको बताऊंगा। इसके बाद डीएसएस भी रिजल्ट अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, तीनों खबर देखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसमें वैकेंसी निकली है। तो साथियों, इसमें आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो कब से है, 7/1/2019, मतलब कल से ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो कल मुझे जैसे पता चला तो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों को मैं बता दूं, लेकिन कल मैं आपको बता नहीं पाया। तो आप 7/1/2019 से अप्लाई कर सकते थे, मतलब अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, जो इसमें लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन स्टेप वन के लिए वो 4/2/2019 है और एग्ज़ाम जो फी है वो 6/2/2019 तक आप दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टू के लिए 7/2/2019 लास्ट डेट है और एडिटिंग एप्लीकेशन के लिए भी 7/2/2019 लास्ट डेट है। तो साथियों, ये है क्लर्क की जॉब, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये 352 है, मतलब 352, जिसमें जनरल के लिए 183 वैकेंसी है। एससी एसटी ऑफ हरियाणा, मतलब एससी और एसटी अगर हरियाणा के हैं तो उनके लिए 60 हैं। बीसी ऑफ हरियाणा, इनके लिए 40 और 29, बीसी ए के लिए 40 है, बीसी बी के लिए 29 है। इसके बाद है पीएच वाले जो कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उसमें जो जनरल है उसके लिए 1 है। एससी बीसी ए बीसी बी इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद है ईएसएम, इनके लिए जनरल के लिए 22 है, एससी एसटी के लिए 4 है, बीसी ए के लिए 9 है, बीसी बी के लिए 4 है। तो साथियों, ये डिटेल है, 352 टोटल वैकेंसीज है, वैकेंसीज काफ़ी हैं। आप समझ सकते हैं एक कोर्ट में अगर इतनी वैकेंसीज निकल रही हैं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, क्लर्क की वैकेंसीज हैं। अभी देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है इसमें। इसके बाद जो इसमें एज लिमिट है, एज की जो काउंटिंग होगी 1/1/2019 के अकॉर्डिंग होगी, तो इसमें जो जनरल की एज है 18 से 42 साल होनी चाहिए। एससी एसटी ऑफ हरियाणा 18 से 47, बीसी ऑफ हरियाणा 18 से 47। इसके बाद जो और कैंडिडेट्स हैं, विडो वगैरह हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको अलग छूट दे रखी है। तो साथियों, इसके बाद जो और डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब इसमें बीए बीकॉम बीएससी, मतलब बैचलर डिग्री इसमें चाहिए कम से कम। अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक नोटिस और दिया हुआ है कि जो आपने मैट्रिक पास करी है, मैट्रिक में हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और हिंदी आपको आनी चाहिए, और इसके बाद आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, ये तो आप जानते हैं बिल्कुल, अगर कंप्यूटर आता नहीं है तो क्लर्क की जॉब कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कंप्यूटर भी आना चाहिए और 10th में हिंदी होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो साथी 10th 12th करे हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन कैसे होगा, और ये सभी के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सिलेक्शन किस बेस पे है। तो साथियों, जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे,
पहला जनरल नॉलेज होगा, सेकंड इंग्लिश कंपोजिशन होगा, और दोनों का जो मार्क्स रहेगा वो 50-50 मार्क्स रहेंगे। इसमें 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज हो गई और 50 मार्क्स की हो गई इसमें इंग्लिश कंपोजिशन। और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लिखा हुआ है 33% इन ईच सब्जेक्ट, बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटर्न एग्जामिनेशन अनलेस ही सी ऑब्टेन्स 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स। तो साथियों इसका मतलब है कि 33% मार्क्स तो आपके होने चाहिए दोनों पार्ट्स में, 33 33। इसके बाद जो 40% होना चाहिए दोनों में एवरेज, मतलब टोटल मार्क्स होने चाहिए जो परसेंटेज में दोनों के मिला के, वो होने चाहिए 40%। लेकिन एक एक पार्ट में 33% पे क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन दोनों के मिला के चाहिए 40%। इसके बाद साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजें समझ के होंगे। आपको पता है कि एचटेट का एग्जाम संडे को हुआ था, मतलब 6 जनवरी 2019 को। आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी जो आंसर की है 7/1/2019 को साइट पर आ चुकी है, मतलब कैंडिडेट्स अपने आंसर चेक कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं आप कितनी फास्ट सर्विस है। बहुत अच्छा लगा देख के। और अब की बार जो सीटेट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सीबीएसई ने बहुत अच्छा सीटेट का जो रिजल्ट दिया है, आंसर की दिए है, बहुत जल्दी काम हुआ है। हालांकि जो डिफिकल्टी लेवल एचटेट का बता रहे हैं वो थोड़ा टफ है पहले की तुलना। हालांकि कुछ साथियों से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अब जो एग्जाम आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। अब इवन आपने ग्रुप डी के एग्जाम भी देखे होंगे। तो बात करते हैं एचटेट के बारे में। तो एचटेट की जो आंसर की आ चुकी है, जिन साथियों ने नहीं देखा है वो आराम से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो साथी हरियाणा से हैं, जिन्होंने एचटेट कर रखा है या जिनका एचटेट अभी अच्छा गया है, उनके लिए एक अच्छी खबर और बता देता हूं साथियों। जनवरी फरवरी में उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा में टीचिंग पोस्ट आने वाली हैं। इसके बारे में मैं जो राजेश पाल जी हैं उनसे बात करी थी, और इसके रिगार्डिंग भी मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं जिसमें सारी डिटेल होंगी। तो साथियों आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें, जिससे अगर हरियाणा में वैकेंसी आती है तो आप अपना एग्जाम अच्छे से कर सकें। इसके बाद बात करते हैं हम डीएसएसबी की। जैसा कि आपको पता है कि कल डीएसएसबी की मीटिंग हुई थी, तो अभी जो स्पेशल वाले टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनकी कट ऑफ पहले ही डिसाइड हो चुकी है, कंडीशन पे ही उनका सिलेक्शन हुआ है। जो फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है, जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, आपको पता है फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स वैलिड होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। इनमें काफी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं होंगे, कुछ अदर स्टेट से होंगे, तो फिर वो ओबीसी में काउंट हो रहे होंगे। और आपको पता है कि अदर स्टेट के जो ओबीसी हैं वो ओबीसी में काउंट नहीं होते। तो साथियों अभी फाइनल सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, डीएसएसबी उनको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देने वाला है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई उन स्पेशल वाले भाइयों के लिए। इसके बाद पीजीटी, फिर टीजीटी और फिर पीआरटी के रिजल्ट आएंगे। तो साथियों आप संयम बना के रखें, सारी चीजें होने वाली हैं। और जो कल क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ कि एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले एक डर था कहीं एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा। लेकिन जो नेताजी ने बात करी थी, विजेंद्र जी ने, तो उससे यह होता है कि कोई भी ऑफिसर, डीएसएसबी ऑफिसर एक बार कैंडिडेट्स को बहका सकता है, लेकिन जो नेता होते हैं उनसे एक बार झूठ नहीं बोला जाएगा। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद साथियों आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बना के रखें, अगर हरियाणा में आप टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं, और ज़्यादा जानकारी मैं एक दो दिन में आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मिली और अफवाह हमने बता दी। हालांकि रिजल्ट जो वैकेंसीज के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था, लेकिन जब तक हमने राजेश जी से बात नहीं करी तो तब तक हमने वो चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई, क्योंकि अफवाह पे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हो सकता है कि अफवाह भी हो सकती है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आपके लिए जल्दी ही
चीजें बता दी जाएंगी। इसके बाद अगर आप कोई भी सच्ची खबर जानना चाहते हैं, कोई भी जॉब न्यूज पाना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीजें मिलेंगी जो एक्चुअल होती हैं, अफवाह नहीं मिलेगी। बहुत जगह आपने देखा होगा अफवाह चलती रहती है, यहाँ पे अफवाह नहीं मिलेगी, एक्चुअल चीज मिलेगी। तो साथियों, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साथियों को भी जोड़ें। इसके बाद हम कोई जो एग्जाम होगा तो स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो साथियों, ये सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।